गाइज मैं हूँ बियर ग्रिल्स का भाई वाइन ग्रिल्स और मैं अभी अफ्रीका के बहुत घनघोर जंगल में फंस गया हूँ और इससे मुझे बाहर निकलना है। और देखिए कितना भयावह जगह है ये, और इस जंगलों में बहुत खतरनाक शिकारी भी होते हैं, तो मुझे इससे बाहर निकलना है और बहुत घनघोर जंगल में फंस गया हूँ। देखिए इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, पर मैं कोशिश करता हूँ। और मैं सुबह से अभी तक कुछ खाया पिया नहीं हूँ, और मुझे पहले तो अभी इस जंगल में अपने लिए भोजन पानी का व्यवस्था करना है, तो देखता हूँ कहीं से कुछ मिलता है, कुछ जीव जंतु छोटा मोटा, तो मैं अपना पहले वो इकट्ठा करूँगा ताकि अब मेरा जान बच सके। और शाम तक मुझे इससे बाहर भी निकलना होगा, नहीं तो हो सकता है मेरी जान भी जा सकती है। तो मैं पहले अपने खाने की तलाश में आगे बढ़ता हूँ। और बहुत कठिन रास्ता है, बहुत घनघोर जंगल है, आप देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पर, लेकिन पानी का भी स्रोत मुझे दिखाई दे रहा है, देखता हूँ हो सकता है पानी मिले। और गाइज पानी मुझे मिल गया है, तो भले ही गंदा पानी तो है पर मैं अपना जान बचा सकता हूँ इससे। चलिए इस जंगल में मुझे पानी मिला, और इसके आसपास मैं अपना शिकार देखता हूँ, कुछ कीड़ा मकोड़ा या छोटा सा कुछ भी जीव जंतु मिल जाए तो मैं अपना पेट भर सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और गाइज मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, और इधर देखिए पूरा चढ़ाई है और पत्थरों से भरा हुआ है, और ये जंगल तो बहुत बहुत घना है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे जान बचा पाऊँगा। चलिए कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप कभी भी इस प्रकार के जंगल में फंसे तो हिम्मत ना हारे, सबसे पहले आप पानी खोजें और अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, और खाना खोजें, उसके बाद फिर आराम करें और आगे बढ़े और हिम्मत ना हारे। और गाइज मैं बस काफ़ी देर से चल रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, पर मैं थका नहीं हूँ अभी तक, ज़्यादा थका नहीं हुआ मैं। पानी मुझे मिल गया है, थोड़ी देर दूर पे है यहाँ से, अब बस खाने की तलाश में मैं घूम रहा हूँ, थोड़ा देर मैं यहीं पे आराम करता हूँ। देखिए पूरा पत्थर है, ठीक है। और अफ्रीका के इन जंगलों में बहुत खतरनाक सांप होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे आए थे और वो लोग खतरनाक जीव जंतु के चपेट में आ गए और सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ नहीं, मैं भी आज फंस चुका हूँ, पर मैं आगे बढ़ूंगा और अपने आप को सुरक्षित रखा हूँ अभी तक, देखते हैं। और मैं अपना कुछ औजार बनाता हूँ, इधर छोटे छोटे बिल्लियाँ होती है, बिल्ली और छोटे जंगली जो जीव होते हैं उसको मारने के लिए ये एक डंडा तोड़ लेता हूँ। मैंने ये डंडा बना लिया है और इस डंडे से मैं ज़रूर कुछ ना कुछ शिकार कर पाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और गाइस मैं गिर गया हूँ, और देखते चोट भी लग गई मुझे, कोई बात नहीं। तो और अभी काफ़ी आगे आ गया हूँ, काफ़ी समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में मैं जा रहा हूँ और कहाँ मुझे और जाना चाहिए, कितना दूर कहाँ रुकना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है, बाप रे, मुझे तो थोड़ा थोड़ा भय भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा घनघोर जंगल है और यहाँ कोई इंसानी गतिविधियाँ भी नज़र नहीं आ रही है। और देखता हूँ शाम भी ढलने वाली है, तो इन जंगलों में अगर कोई आदमी फंसता है तो थोड़ा बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, पर यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं यहाँ से और भी ऊंचे स्थान पर जाऊंगा ताकि वहाँ से मुझे कुछ दिखाई पड़े और मैं इसे बाहर निकल सकूँ। मुझे अभी खाने को कुछ नहीं मिला है, लेकिन मैं अभी तक खाने के तलाश में हूँ और देखता हूँ आगे। और गाइज वहाँ एक मुझे जंगली चूहा दिखाई दे रहा है, और मैं लगता है शायद मैं उसको पकड़ पाऊँगा, देखता हूँ। ये मिला। गाइज भाग गया यार, लगता है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा इस जंगल में, कोई भी कुछ भी खाने को मुझे नहीं मिला। और पानी तो मिला है, तो चलता हूँ थोड़ा सा पानी पीता हूँ क्योंकि मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ और मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी। चलिए इस जंगल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और
आगे बढ़ता हूँ, पानी पीता हूँ, देखता हूँ नहीं मिलेगा तो भूखा ही रहना पड़ेगा दो चार दिन। पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि बाहर निकल जाऊँ इस जंगल से और मेरी जान बच सके। और कुछ कोई इंसानी गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा देर और मैं यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा और कोई इंसानी गतिविधियाँ नज़र आएगी तो मैं उसके पास जाऊँगा और फिर इंसानों के संपर्क में आऊँगा और इस जंगल से बाहर निकल पाऊँगा, अपना जान बचा पाऊँगा मैं। यह गाइस देख सकते हैं कितना खतरनाक जंगल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस लगता है मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा अभी दो दिन। मुझे लग रहा है इस जंगल में थोड़ी सी रास्ता मिल जाएगा, अगर कोई हाईवे हुए किसी जगह से गुजर रही हो गाड़ी उड़ी की आवाज़, तो मैं पहले हाईवे पर जाऊँगा ताकि वहाँ से मुझे इंसान मिल सके और उसके साथ मैं इस जंगल से बाहर निकल सकूँ। अभी तो मैं बहुत भूखा हूँ, रात को मैं थोड़ा सा खाया था वही खाया हूँ, अभी दिन भर कुछ नहीं खाया हूँ और मैं अभी डिहाइड्रेट भी हो रहा हूँ और प्यास भी लग रही है मुझे। पर कुछ नहीं, ठीक है आगे बढ़ता हूँ। इस ऐसे सिचुएशन में आपको अपने आप को संभाल के रखना और मोटिवेट रखना ज़रूरी होता है। अगर आप घबरा गए और सो गए रह गए तो आपको जंगली जीव भी आपको खा सकते हैं या आप बेहोश हो सकते हैं और मर सकते हैं। तो चलिए बस थोड़ी देर और आराम करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। किसी कोई भी इंसानी गतिविधि मुझे नज़र आएगी या इंसानों का आवाज़ या किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देगी तो मैं ज़रूर उसके पास जाऊंगा और बाहर निकल सकूंगा। और गाइज काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे और वहां से मैं आगे निकला तो आगे मुझे कुछ इंसानों की आवाज़ सुनाई दे रही है और काफ़ी सारा आवाज़ आ रहा है। मुझे लग रहा है इधर कुछ इंसान मुझे मिलेंगे और मेरी जान बच पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, शायद मेरी जान बच जाए। और मुझे इंसानी गतिविधियाँ भी नज़र आ रही है इधर सामने, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। देख सकते हैं कितना भीड़ और कितना सुनसान ये जंगल है अफ्रीका का, और बहुत ही खतरनाक जंगल है। इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। पर मैं आज फंस चुका हूँ, लेकिन इस जंगल से मैं निकलना चाहता हूँ। और गाइस सामने मुझे कुछ इंसानी गतिविधियाँ नज़र आ रही है, लग रहा है शायद समुद्र और कुछ लोग हैं। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ और उन लोगों के पास जाता हूँ, संपर्क साधने की कोशिश करता हूँ और शायद वो लोग मिल जाए मुझे तो मैं अपना जान बचा सकूँ। और गाइज मैं आ चुका हूँ बाहर, ये देखिए ये तो आगे समुद्र है और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। गाइज मैं तो बच गया, ये देखिए आ गया मैं बाहर। और ये तो बीच है कोई, ये तो आगे समुद्र है और काफ़ी लोग हैं यहाँ। अब लगता है मेरा जान बच जाएगा। और गाइज मैं बाहर निकल चुका हूँ इस अफ्रीका के जंगल से और मैं किसी समुद्र तट पे आ चुका हूँ और यहाँ बहुत सारे लोग हैं और अब मैं बच जाऊँगा, मुझे पूरा आशा है। चलिए अब लोगों से संपर्क करता हूँ, कुछ खाने को लेता हूँ और अपना जान बचाता हूँ।